हेलो गाइस एंड वेलकम टू इटवार मोटरॉइड। तो आज के वीडियो में मैं आपको बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क के कुछ रीज़न बताऊंगा जिससे आपको यह बाइक प्रेफर करनी चाहिए 150 सीसी कैटेगरी में। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इस बाइक को खरीदने का सबसे पहला रीज़न आता है इसका ओवरऑल लुक और इसका रोड प्रेजेंस। ये बाइक देखने में आपको बहुत मोटी और बल्की मिलती है, साथ ही साथ इसका कंपटीशन है FZ V3 और होंडा यूनिकॉर्न, उनके कंपैरिजन में ये बाइक अपना रोड प्रेजेंस अलग से प्रेजेंट करती है। और साथ ही साथ ये मार्केट में सबसे ज़्यादा टिकने वाली बाइक्स में से एक है, मतलब बहुत सालों से मार्केट में टिकी हुई है। यहाँ पर आपको इसके लुक्स बताऊँ तो फ्रंट में आपको वही प्रोफाइल मिलती है जो कि पल्सर 180 में आती है, और यहाँ पर इसका सिंगल डिस्क वेरियंट रखा है। ये थोड़ा कम बल्कि लगता है ट्विन डिस्क के सामने। यहाँ पर आपको बता दूँ फीचर्स की कोई कमी नहीं रखी, क्लिप ऑन हैंडल बार भी अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है आपको, टैंक बहुत बड़ा सा आता है पल्सर की बैजिंग के साथ, और यहाँ पर आपको टैंक काउल मिल जाते हैं, नीचे बेली पैन आता है इसके अंदर, और इसका क्रैश गार्ड मिल जाता है DTSI की बैजिंग बजाज के साथ। DTSI पावर्ड इंजन है, यहाँ पर भी आपको फुटपैक्स अच्छे मिल जाते हैं। ओपन चेन टाइप आती है इसके अंदर, मतलब चेन का जो टाइप है वो ओपन है, यहाँ पर क्लोज चेन नहीं आती। कार्बन फाइबर के स्टिकर्स के जैसा, मतलब इसको पूरा का पूरा पेंट किया है कार्बन फाइबर फिनिश में। रियर में 150 की बैजिंग आती है, यहाँ पर भी स्टिकर्स आते हैं, और इसका साड़ी गार्ड जो कि यहाँ पर आपको लेडीज़ फुटरेस्ट नहीं मिलेगा, इधर साइड थोड़ा मुश्किल होगा लेडीज़ के लिए, लेकिन रियर का जो मडगार्ड है प्रॉपर आता है, मफलर इसके अंदर आता नहीं यहाँ पर अंदर की तरफ जो कि नॉर्मल वेरियंट के अंदर आता है। बाकी लुक्स में आपको पल्सर 150 ट्विन डिस्क अच्छी स्पोर्टी मिलती है, क्योंकि इसकी जो बॉडी डिज़ाइन है या फिर पूरा का पूरा चेसिस पकड़े इसका सब पल्सर 180 से लिया गया है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट आता है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल, फीचर्स अच्छे खासे आते हैं। यहाँ पर ब्लू बैकलेट वाला सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आता है, इसके अंदर आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, लो बैटरी इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर मिलता है, साइड स्टैंड इंडिकेटर आता है, इंजन चेक लाइट है, टैकोमीटर है, RPM लिमिट आती है, IFE1, IFE2, AFE1, AFE2, डिस्टेंस टू MT, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं अच्छा खासे फीचर्स रीसेट के बटन्स के साथ। यहाँ पर बैकलेट है ब्लू, और यहाँ देख सकते हैं अपन Trip 1, Trip 2 भी आ गया, ABS इंडिकेटर, लो बीम, हाई बीम इंडिकेटर, न्यूट्रल लाइट, इंडिकेटर वाली लाइट, और बटन्स भी आपको अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं। इंजन किल स्विच है, इसके नीचे सेल्फ स्टार्टर है, लेफ्ट साइड में आपको पासिंग स्विच मिलता है। अभी इसको मैं बैकलेट बताऊँ, यहाँ पर बैकलेट स्विचेस हैं, ये लो बीम, हाई बीम इंडिकेटर, और इसके नीचे बढ़िया सा हॉर्न, डुअल हॉर्न देखने को मिल जाते हैं अपने को पल्सर 150 ट्विन डिस्क के अंदर। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है इसके ब्रेक्स, यहाँ पर आपको बड़े साइज के ब्रेक्स मिलते हैं। पहले तो डुअल डिस्क विद सिंगल चैनल ABS मिलता है, पहला ये फायदा। दूसरा, इसके अंदर जो डिस्क ब्रेक का साइज़ है बहुत बड़ा मिलता है, फ्रंट में 280 mm का डिस्क आता है और रियर डिस्क आपको 230 mm का मिल जाता है। सिंगल चैनल ABS का मतलब सिर्फ ABS सामने के टायर में वर्क करेगा, पीछे के टायर में आपको ABS नहीं मिलता, फिर भी सेगमेंट के हिसाब से आपको अच्छा खासा ब्रेकिंग परफॉर्मेंस मिल जाता है, और पावर के हिसाब से भी आपको इसकी ब्रेकिंग बाइट अच्छी मिलती है डुअल डिस्क वेरिएंट के अंदर। तो मेरे हिसाब से इसका तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है ब्रेकिंग सिस्टम। चौथा पॉजिटिव पॉइंट है बड़ी टैंक कैपेसिटी, 15 लीटर की आपको मैसिव टैंक कैपेसिटी मिल जाती है जो कि सेगमेंट में सबसे बेस्ट है। यूनिकॉर्न में आपको 13 लीटर की मिलती है, साथ ही साथ FZ में भी 13 लीटर की मिलती है, उनसे 2 लीटर ज़्यादा टैंक कैपेसिटी मिल जाती है पल्सर 150 में, जो कि लॉन्ग राइड्स के लिए, टूरिंग के लिए, या फिर आपको पेट्रोल पंप के ज़्यादा चक्कर नहीं लगाना, तब ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ होती है। पांचवा पॉजिटिव पॉइंट है राइडिंग स्टाइल, मतलब आपको बता दूँ राइडर्स ट्रायंगल, यहाँ पर आपको थोड़ा आगे की तरफ लीन होकर बैठना पड़ता है, उसके बावजूद आपका कंफर्ट कभी भी लैक नहीं करता, आराम से आप लॉन्ग राइड्स कर सकते हैं इस बाइक के ऊपर, और थोड़ा आगे की तरफ झुक के बैठना पड़ता है, क्लिप ऑन हैंडल बार थोड़ा नीचे की तरफ है, जैसे कि NS 200 देख सकते हैं, इससे थोड़ा ऊपर ही आता है NS 200 का हैंडल बार, तो यहाँ पर थोड़ा आपको लीन होकर बैठना पड़ता है, तब भी आपको कंफर्ट लेवल कम नहीं मिलता। इतना अग्रेसिव राइडिंग स्टाइल होने के बावजूद आपको कंफर्ट लेवल अच्छा मिल रहा है, इसका राइडिंग स्टाइल मेरे को बहुत अच्छा लगा। पांचवा पॉजिटिव पॉइंट मैं इसके राइडिंग स्टाइल को देना चाहूंगा। सिक्स पॉजिटिव पॉइंट है इसका इंजन, इंजन बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पर बात करूँ स्पेक्स की तो यहाँ पर मिलता है आपको 150 सीसी का DTSI फ्यूल इंजेक्टेड 4-stroke 2-valve BS6 phase 2 कंप्लाइंट इंजन विद 5-speed गेयरबॉक्स, और यहाँ पर मैक्स पावर मिलती है 14 BHP की, 14 PS की पावर, और टॉर्क मिलता है 13.2 Nm का। पावर सेगमेंट में बेस्ट है, मतलब 150 सीसी में अपन देखने जाएं इसके कंपटीशन को, FZ V3 हो या फिर अपनी बात करें यूनिकॉर्न की, तो उससे बेस्ट पावर मिलती है इसके अंदर, और साथ ही साथ आपको टॉर्क भी ठीक ठाक सा मिल जाता है, लेकिन इसकी जो मिड रेंज परफॉर्मेंस है बहुत बढ़िया आती है, तो यहाँ पर इसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया मिलता है। और छठा पॉजिटिव पॉइंट रखना चाहूँगा मैं इसके इंजन को, क्योंकि अच्छी खासी पावर निकाल रहा है। सातवां पॉजिटिव पॉइंट है इसकी प्राइसिंग, अगर आपको बजाज ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप राजयोग बजाज उदगीर शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर और मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन
सेक्शन में मिल जाएगा और वहाँ पर बजाज पल्सर 150 डबल डिस्क ऑन रोड पड़ती है 140,500 रुपये की प्राइस पर। यूनिकॉर्न से 500 रुपये महंगी आती है बाइक और यहाँ पर बता दूँ FZ से 6,000 रुपये सस्ती आती है बाइक। अब देखने जाए तो यूनिकॉर्न से थोड़े बहुत चीज़ें बेटर हैं, जैसे कि डुअल डिस्क आता है इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें, फुल डिजिटल मीटर या सेमी डिजिटल मीटर इसके अंदर मिल जाएगा। यूनिकॉर्न से तो बेटर ही आता है, बाकी आपको अच्छा खासा स्पोर्टी लुक्स मिल जाते हैं। लेकिन सातवां पॉजिटिव पॉइंट है इसकी एग्रेसिव प्राइसिंग। मेरे हिसाब से यूनिकॉर्न से बेटर इसका ऑप्शन हो सकता है अगर आप स्पोर्ट्स बाइक देखना चाहते हैं तब। आठवां पॉजिटिव पॉइंट है आफ्टर सेल सर्विस। बजाज की आफ्टर सेल सर्विस बढ़िया रहती है। एक तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी बहुत इजी हो जाती है, मतलब छोटे छोटे शहरों में इसके पार्ट्स अवेलेबल रहते हैं, ना कि दूसरे बाइक्स की तरह। और बाइक का एक्सीडेंट हो गया तो आपको सारे पार्ट्स भी मिल जाते हैं इजीली, और साथ ही साथ पार्ट्स की जो कॉस्ट होती है, मतलब जो प्राइसिंग रहती है पार्ट्स की, बहुत कम रहती है, खर्चा भी कम आता है। उस हिसाब से मैं देखना चाहूँ तो आठवां पॉजिटिव पॉइंट बहुत बढ़िया रहता है पल्सर 150 खरीदने का। तो गाइज आज के वीडियो में मैंने आपको बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क के 8 पॉजिटिव पॉइंट बताए। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइज।